विराजमान, चारों तरफ उल्लास ही उल्लास। वो शांति कुंज जहां नियमित जप चलता है, अखंड जप। वो शांति कुंज जहां नियमित यज्ञ होता है, नियमित जप, नियमित यज्ञ और अखंड दीपक, जिसके सानिध्य में करोड़ों के अनुष्ठान हो चुके। अखंड दीपक, कल्पना कीजिए आप अखंड दीपक के सामने बैठे, शांति कुंज हरिद्वार, सप्त ऋषियों की तपस्थली, महाकाल के घोंसले में आप विराजमान। सूर्य धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, सूर्य की किरणें अनेक पर सूर्य एक। सूर्य किरणें अनेक, सूर्य एक सहस्त्रांश। सूर्य सविता प्रसविता, उस सूर्य की अनगिनत किरणें और उनमें से कुछ हमारे ऊपर पड़ रही। लहरें अनेक, समुद्र एक, बूंदे अनेक, जलराशि एक, किरणें अनेक, सूर्य एक, हम सब अनेक पर हमारे मन एक। एक मन, एक मन हम सबका, वही एक तो परम पूज्य गुरुदेव का हाथ है, पैर है, विभिन्न रूपों में गुरुदेव यहां पर मौजूद हैं। हम सब मिलकर के एक, परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव सब मिलकर के एक। एक मन हम सबका, सूर्य का प्रकाश हमारे सारे शरीर पर, धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ रहा है। हम अखंड दीपक का ध्यान कर रहे हैं, इसी बीच सारा सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर रोम रोम में, कण कण में समा रहा है। किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, शरीर में, मन में, अंतःकरण में किरणें, किरणों का प्रवेश। सूर्य प्राण है, आध्यात्मिक तेज है सूर्य का, जिसकी वजह से हम सब अपनी चेतना को पोषण दे पाते हैं। चैतन्यमयी सत्ता हमारी सूर्य के कारण। सूर्य सविता प्रसविता सविता, पोषण करने के कारण, जन्म देने के कारण सविता, इस सृष्टि का जन्म। हम सब जिस प्रसव के माध्यम से आए हैं उसका कारण है सूर्य। सूर्य हमारा पिता, सूर्य हमारे गायत्री मंत्र का देवता। सूर्य का प्रकाश रोम रोम में, कण कण में, सुंदर प्रेरणाएं देने वाला सूर्य। भर्ग पापनाशक तेज, पापों को भून देने वाला सूर्य हमारे शरीर के रोम रोम में, कण कण में। साधक का सविता को समर्पण। पहले चिंतन किया, मनन किया, धारण किया, अपने अंदर धारण करने के पश्चात उसको अनुभव किया, अनुभव करने के बाद समर्पण। साधक सविता एक,
भक्त भगवान एक, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, साधक प्रकाशवान, सवितावान, प्रकाशवान, ऊर्जावान, तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी साधक। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। प्रचोदयात्।